नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास, आपका दोस्त, आपका कोच, आज इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। ओके, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ और बहुत ही खास बात लेकर आया हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ने पहले सुना हो, जाना हो या नहीं भी जाना हो, डजंट मैटर। देखिए, हमारी लाइफ जो होती है वह मेनली चार सेगमेंट पर खड़ी होती है, राइट? सबसे पहला हेल्थ, हमारी हेल्थ, हमारी शारीरिक हेल्थ, हमारी मानसिक हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ। आखिर हम कितने स्वस्थ हैं यह कैसे पता चलता है? जब हमारे चारों ओर की परिस्थितियां विपरीत हो, या ओवरवर्क हो, या स्ट्रेस्ड हो, या कोई चैलेंज हो, और आप उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करके उस पर बिना अपना रिदम, बिना अपना फ्लो खोए कंटिन्यू चलते रहें, तो आप हेल्दी हैं। तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा, जिसके बिना सारे सेगमेंट अधूरे होते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप। क्या आप लोगों को पसंद करते हैं? क्या आपको लोग पसंद करते हैं? क्या लोगों को आपका साथ अच्छा लगता है? क्या लोग आपसे कोई सलाह मशवरा लेने आते हैं, या आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं, या आपको देख के लोगों को एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, पॉजिटिव उनको फील होता है आपको देख के, मायने रखता है रिश्ते, राइट? तीसरा, करियर। आप जो करना चाहते हैं यदि वही कर रहे हैं तो आप सफल हैं, और यही सफलता का पैमाना करियर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप करियर में कैसा ग्रो कर रहे हैं, करियर में आप क्या चाहते हैं, राइट? इसी तरह से काम करता है। नेक्स्ट सेगमेंट है मनी। मनी, किसी ने कहा है धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो है, राइट? तो इसलिए धन को भी हम, उसकी महत्ता को हम इनकार नहीं कर सकते हमारी डेली रूटीन की लाइफ से। इसलिए हमें हेल्थ भी चाहिए, हमारा करियर भी अच्छा होना चाहिए, मनी का फ्लो भी हमारे लाइफ में अच्छा होना चाहिए, हमारे रिश्ते भी मधुर होना चाहिए, हमारे अंदर आध्यात्मिकता की बारिश भी होना चाहिए, हम एक अच्छा दिल वाले भी होना चाहिए, हम एक अच्छे दिखने वाले भी होना चाहिए, हम अच्छे व्यवहार वाले भी होना चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बहुत खास बात बताने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों में जो हमने जाना है कि यह हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्या आप जानते हैं अंकों का कितना प्रभाव पड़ता है? कोई भी अंक आपकी हेल्थ को डाउन कर सकता है। यदि आप जागरूक नहीं हैं या आपको बिल्कुल कोई भान नहीं है, तो कोई भी अंक आपकी मनी को छीन सकता है, आपकी हेल्थ को गिरा सकता है, राइट? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंकों का क्या गणित है। देखिए, अंक गणित बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आज बात करेंगे अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और शून्य, इन सब का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए, महत्व तो हवा का भी है, पानी का भी है, लेकिन हवा और पानी बहुत ही सर्वसुलभ है, लेकिन जो जितनी ज़्यादा सर्वसुलभ होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हाई होती है। इसी तरह से अगर हमें कोई बोले कि आपका मकान नंबर क्या है, उसमें भी अंक आएंगे। कोई हमें बोले आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें भी हम आएंगे। कोई आपको बोले कि आपकी सिटी का पिन कोड क्या है, उसमें भी नंबर आएंगे। आपके जन्म का साल कौन सा है, उसमें भी नंबर आएंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसमें भी नंबर आएंगे। आपका आधार नंबर क्या है, उसमें भी नंबर आएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप नंबरों से नहीं बच सकते, और यही नंबर का खेल आपको अंबर तक ले जा सकता है। कैसे, समझते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा ऐसा नंबर है
या कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा समय के लिए आपके टच में रहती है, आपके कांटेक्ट में रहती है? क्या आपका घर का नंबर, क्या आपका आधार नंबर, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्या आपकी सिटी का पिन कोड? बताइए कमेंट सेक्शन में डालिए जल्दी से कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आपका पाला बहुत ज्यादा पड़ता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, ओके। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम अप। मोबाइल नंबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम जब घर में होते हैं तब भी मोबाइल हमारे हाथ में होता है, जब हम बाहर होते हैं हमारे जेब में होता है, हम काम कर रहे होते हैं हमारी टेबल पे होता है। चाहे आपके पास आपका आधार कार्ड ना हो, चाहे आपके पास आपका पर्स ना हो, लेकिन आपका मोबाइल जरूर आपके पास होता है। कितने साथी एग्री करते हैं इस बात से? कमेंट सेक्शन में डालिए जल्दी से यस। अब मुझे एक बात बताइए, यदि आपका मोबाइल आपके पास सबसे ज्यादा रहता है तो क्या उसमें जो डिजिट है, जो नंबर है, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? बताइए। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी तरह से जब मोबाइल नंबर आपके पास आपके संपर्क में सबसे ज्यादा समय के लिए है तो उस पर होने वाला प्रभाव भी उन नंबरों के हिसाब से होगा। अब यह प्रभाव क्या हो सकता है? यह प्रभाव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, क्या आपके मोबाइल नंबर में 7 बहुत बार आता है, मल्टीपल टाइम 7 है? तो चेक कीजिए कहीं आपके रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं है, कहीं आपके रिश्तों में खटपट तो नहीं चलती रहती है, चेक करिए। क्या आपके मोबाइल नंबर में 8 ज्यादा आता है, कई बार मल्टीपल टाइम्स बार 8 है? तो चेक करिए क्या आपको थोड़े थोड़े दिन में कहीं से सरप्राइज मनी तो नहीं मिल रहा है? क्या आपको या आपकी खुद का मनी कहीं अटक तो नहीं रहा है? चेक करिए आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 0 तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बिना पेंदे के बर्तन को भरते जा रहे हैं? जो भी कमाया खर्च हो जा रहा है, खर्चे पूरे पड़ ही नहीं रहे हैं, इनकम उतनी ही है, इनकम बढ़ने के बजाय खर्चे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको कभी कहीं से थोड़ी बहुत इनकम बढ़ती है, अर्निंग बढ़ती है, धन बढ़ता है, तो जाने के रास्ते तो नहीं बना पा रहा है? चेक करिए कहीं आपके नंबर में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है जो आपके रिश्तों को हेट कर रहा है? कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है जो आपके शरीर में आर्थराइटिस दे रहा है? क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपको यूरिन की डिसऑर्डर हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है? कहीं कोई ऐसा मेलिफिक कॉम्बिनेशन तो नहीं है जो आपको शुगर के चांसेस बढ़ा रहा है? जी हाँ दोस्तों, गलत कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में गलत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, पानी को हम सभी जानते हैं कि पानी को अगर कहीं डाला जाए तो आग बुझ जाती है, राइट? लेकिन सोडियम के टुकड़े पर यदि आग डाली जाए, सोडियम खराब है? नहीं। पानी खराब है? नहीं। लेकिन पानी और सोडियम का मेल आग देता है और आग आपको जला देगा। तो गलत कॉम्बिनेशन, चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हों, कितने ही अच्छे नंबर हों, कितने ही अच्छे ग्रह हों, कितने ही अच्छे लोग हों, अगर कॉम्बिनेशन गलत है तो उसका दुष्प्रभाव आप पर निश्चित रूप से पड़ेगा, राइट? तो आज का आपका होमवर्क है, आपका मोबाइल नंबर क्या कहता है, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए थोड़ी सी। और यदि आपके मोबाइल नंबर की डिटेल रिपोर्ट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए DYD। DYD क्या हो? डिकोड योर डेस्टिनी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं, मोबाइल नंबर एनालिसिस। जी हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कहीं आपका मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो आपका दुश्मन तो नहीं है? कहीं आपका टोटल आपको और नेगेटिव तो नहीं कर रहा है? क्या आप
आपका मोबाइल नंबर का टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइनमेंट में है, ये हम चेक करेंगे। दूसरा, हम ये चेक करेंगे कि क्या आपकी कोई करंट प्रॉब्लम, वो चाहे हेल्थ की हो, करियर की हो, मनी की हो, रिलेशन की हो, स्पिरिचुअलिटी की हो, सोशलिज्म की हो, कोई भी प्रॉब्लम का कारण कहीं आपके मोबाइल नंबर में तो नहीं छुपा है। हम यह चेक करेंगे कि कोई भी आपका नेगेटिव इमोशन मोबाइल नंबर से तो नहीं आ रहा है। हम ये चेक करेंगे कहीं आपका रुका हुआ धन मोबाइल नंबर के कारण तो नहीं है। साथ ही हम यह देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपकी उन्नति में बाधक हैं, जो आपको नियमित इलाज लेने पर, नियमित दवाइयां लेने पर, नियमित जांचें कराने पर, नियमित परामर्श लेने पर भी ठीक नहीं होने दे रहे हैं। नियमित डाइट करने पर, नियमित एक्सरसाइज करने पर, नियमित कंसल्टेशन लेने के बाद भी कौन से ऐसे नंबर है जो आपको वेट लॉस नहीं होने दे रहे हैं, ये हम पूरा एनालिसिस करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए फायदेमंद है उस नंबर में। हम ये एनालिसिस करेंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन उस नंबर में आपके लिए नुकसानदायक है। ये हमारी पहली स्टेप है। साथ ही अगर आपके डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के अलाइनमेंट में कोई नंबर मिस है जो अच्छा होना चाहिए आपके लिए, अच्छा है लेकिन वो उसमें मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या टिप्स यूज कर सकते हैं, क्या रेमेडी यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं कर सकते हैं जिससे उस मिसिंग नंबर की एनर्जी को हम हमारी लाइफ में आकर्षित कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, हम आपको इस एनालिसिस के बाद ये बताएंगे कि कौन सा टोटल नंबर आपके लिए उचित है। आपको जीवन में क्या चाहिए, नेम फेम चाहिए, हेल्थ चाहिए, नॉलेज चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, मनी चाहिए, लग्जरी चाहिए, हवाई यात्रा चाहिए, विदेश जाना है, क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ को अलाइन करके आपके लिए परफेक्ट टोटल नंबर हम गाइड करेंगे। और जब भी आपको लगता है कि इस टोटल के हिसाब से आपका काम बन सकता है, तो आपको आपके सिम नंबर, मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन, उस मोबाइल नंबर में क्या खराबी है, क्या अच्छाइयां है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही यदि आप सपोर्ट चाहते हैं उसमें कि अच्छा नंबर ढूंढने में आपकी मदद की जाए, तो जब भी आप चाहें कि आपके मोबाइल नंबर से डिकोड योर डेस्टिनी, जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम है DYD, डिकोड योर डेस्टिनी, डिकोड योर डेस्टिनी बाय मोबाइल नंबर एनालिसिस। तो जब भी आप अपने मोबाइल नंबर का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए DYD, हम आपको पर्सनल कमेंट में, चैट बॉक्स में आपको आगे की डिटेल शेयर कर देंगे। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आपको पता है, क्या आप जान पाए आपके मोबाइल नंबर को, कहीं आपकी प्रॉब्लम्स मोबाइल नंबर में तो नहीं छिपी है, कहीं आपके सॉल्यूशन मोबाइल नंबर में तो नहीं छिपे हैं? जानने के लिए कमेंट डालिए DYD। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं आज के लाइव में, आपने सुना, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूं। और यूट्यूब पर भी जाइए, #DrGajendraVyas टाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर दें। ओके, बाय, थैंक यू।